C7 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडर। मैदान से कवर्स हट गए हैं, एक्टिवा 6G क्रीज पर रोमांचक गेम की उम्मीद, और आते ही साइलेंटली दे मारा है 6। बिल्कुल शॉकिंग नहीं, और ये एक और शानदार 6, इसे कहते हैं क्लीन हिट, एकदम क्लीन 6। ओहो, बहुत ही दूर दे मारा है ये, एकदम स्मूथ हिट, और ये एक और 6। अपनी क्रीज में सेट है, कंफर्टेबली खेल रहे हैं, सबको कर दिया है हैरान, व्हाट अ 6। जी हाँ, नए BS6 एक्टिवा 6G के साथ इंडिया मारेगा एक बेहतरीन 6। एक्टिवा 6G, 6 चेंजेस द गेम। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला Level 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज, और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। सागरश्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल, BPL कार्ड धारकों का नियम अनुसार निःशुल्क इलाज एवं कैशलेस सुविधा। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कोरोना काल में सागर का जिला न्यायालय भी कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं रहा। जिंदगी और मौत के बीच पहुंचे जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने इलाज कराकर जिंदगी की जंग जीती, और कुछ अधिवक्ताओं के जाने से सभी की आंखें नम हुई। मौका था अधिवक्ता दिवस का, तो इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ अधिवक्ताओं के उत्साह वर्धन के लिए आगे आया और उन अधिवक्ताओं का तालियों के बीच सम्मान किया जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए और जिंदगी की जंग जीतकर एक बार फिर जिला न्यायालय में काम कर रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ऐसे अधिवक्ताओं को कोरोना वॉरियर के सम्मान से सम्मानित किया, साथ ही जिंदगी की जंग हार चुके अधिवक्ताओं को नम आंखों से याद किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय महामना विधि वेत्ता महान अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जयंती आज के दिन मनाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में सारे अधिवक्ता अधिवक्ता दिवस के रूप में आयोजन करते हैं, और बड़े आयोजन इसके पहले होते थे, वाहन रैली और वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान। चूँकि कोरोना महामारी में हमारे यह सब कार्यक्रम स्थगित रहे, किंतु उन कोरोना योद्धाओं का जो अधिवक्ता हमारे पॉजिटिव थे और भर्ती होने के बाद जंग जीत कर कोरोना की और हमलों के बीच आए, हम लोग फिर से कार्य करने लगे अधिवक्ता के रूप में, उनका सम्मान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के हाथों से कराया, ताकि उनका मॉरल बढ़े, उनके अंदर समाज में और अधिवक्ताओं के बीच बैठकर काम करने की जिज्ञासा बढ़े, उनको अछूत जैसा व्यवहार ना लगे कि उनको कोरोना हो गया था, अब उनसे डरने की ज़रूरत है, लोग दूरियां उनसे ना बनाएं। उस मॉरल को बूस्ट करने के लिए हमने अधिवक्ता दिवस का यह सार्थक उद्देश्य लेकर यह कार्य किया है। अधिवक्ता दिवस पर एक बार फिर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे ने अधिवक्ताओं के आर्थिक हितों से जुड़ी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। अधिवक्ता संघ जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अधिवक्ताओं की मांगों को उठा चुका है। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय और इसके बाद कोरोना से सावधानियों के चलते लगभग शिथिल पड़ चुकी न्यायिक प्रक्रिया की वजह से अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, और खास मौकों पर अधिवक्ता संघ अपनी मांगों को सामने जरूर लाता है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो आशाएं जागी हैं, जगाई हैं, उस संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि मैं यह प्रयास करूँगा कि आपके सहयोग से कुछ ऐसा कार्य करूँगा जो शायद आपको निश्चित रूप से स्मरणीय रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि हर विधा में, ट्रायल के हर विधा में आपका हमारे साथी जजेस को भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। निश्चित रूप से
यह अधिवक्ता संघ जिसकी ख्याति बहुत अच्छी रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कार्य से, अपने आचरण से इस ख्याति को और बढ़ाएंगे और एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे जिसमें हम गरीब पक्षकार जो है उनको न्यायदान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। यहाँ पर जो कोरोना काल के दौरान आप लोगों ने प्रशासनिक हेड के नाते आपको जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आप लोगों की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग इसी तरह से हमेशा हमें प्राप्त होता रहेगा। अधिवक्ताओं की लड़ाई के लिए जो हमने एक मांग पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से दिया है ज्ञापन, वह मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री को कि हमारे अधिवक्ताओं की तरफ भी ध्यान दें और वह पीड़ित होते तो उनको भी आर्थिक सहायता मिले, उनको भी वैक्सीन में प्राथमिकता मिले, उनको भी बीमा के की राशि के रूप में 50 लाख रुपये का बीमा कराया जाए ताकि वह अपने परिवार का और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। मौका था अधिवक्ता दिवस का, लेकिन जिला अधिवक्ता संघ ने कोरोना से बचाव और सावधानियों के चलते व्यापक स्तर पर अधिवक्ता दिवस न मनाते हुए सादगी के साथ न्यायालय परिवार के बीच ही मनाया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि अधिवक्ता दिवस पर उन अधिवक्ताओं को बतौर उत्साहवर्धन सम्मान जरूर मिल गया जो कोरोना से जंग जीतकर न्यायालय में एक बार फिर सभी अधिवक्ताओं के बीच मौजूद है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जी हाँ, तभी तो पहुंचेगी हर खबर आप तक।